तीसरे दौर का मतदान हो रहा है बिहार में और दोपहर के बाद तेजी आई है थोड़ी वोटिंग में। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां की हैं, सब आपको दिखाएंगे सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं काफी जोश मतदाताओं में देखने को मिला है और खास तौर पर दोपहर के बाद तेजी थोड़ी आई है वोटिंग में। लेकिन आपको बता दें कहीं पर कोई सेल्फी लेने के लिए अपने अपने तरीके से जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है 17 जिलों की 94 सीटों पर आज वोटिंग हुई है बिहार में और उसी की तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। कुल मिलाकर आज दूसरा पड़ाव जो बिहार के चुनाव में था वो एक तरह से अब आगे बढ़ रहा है क्योंकि अब यहां से जो भी तय होगा वही अब तीसरे दौर की तरफ बढ़ेगा। जो चुनाव प्रचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर किया है, कई रैलियां उन्होंने एक के बाद एक की है और ये एक तरह से हमने देखा है पैटर्न, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जो अगले सीट का यानी तीसरे चरण का, इधर दूसरे दौर का मतदान हो रहा है उधर तीसरे चरण का प्रचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। 94 सीटों पर वोटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिग्गजों की वोटिंग देख रहे हैं जिसमें आप सभी लोगों के जो दिग्गज हैं उन्होंने अपना वोट डाला है जाकर, और बूथ पर जो कोरोना फैक्टर है वो कई जगहों पर देखा जा रहा है, लोकतंत्र के रंग भी हैं, कोई सेल्फी पॉइंट है वहां पर जा रहा है, ये तस्वीरें आपने देख ली। तो चलिए इधर दूसरे दौर का मतदान हो रहा है, तीसरे दौर का प्रचार भी हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर धावा बोला है, वो लगातार युवराजों की कहानी हिंदुस्तान की राजनीति में सुना रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने बताया कि कैसे परिवारवाद ने इस देश को खोखला किया है। आज एक बार फिर इसी थीम पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, सुनिए। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। तो रंगबाजी रंगदारी ये सब हार रहे हैं और बिहार जीत रहा है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री परिवारवाद पर उन्होंने गंभीर चोट किया और एक बार फिर से दो युवराजों पर चोट है बिना नाम लिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है, बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है, यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दौर के लिए प्रचार करते हुए, दूसरे दौर का मतदान चल रहा है,
हमारे साथ आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से हमला किया है दो युवराजों पर, परिवारवाद पर, रंगदारी पर, रंगबाजी पर, और ये कहा है कि ये जंगल राज वाले मां भारती के खिलाफ, मतलब मां भारती के नारे लगाने में कतराते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद से दूर रहते हैं, यानी इसको एक बार फिर से सेंट्रल एजेंडा वो बता रहे हैं, और इस बार जंगल राज, परिवारवाद, युवराजगिरी और ये रंगदारी, यही फोकस है जिसके जरिए वो चाहते हैं कि लोगों को याद दिला जाए 15 साल पुराना वो जंगल राज और फिर अपनी तरफ किया जाए, यही रणनीति। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी युवराज की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके इस भाषण में कोई बहुत ज्यादा दम है। हाँ, जब वो जंगल राज की याद दिलाने की बात करते हैं तो जरूर बिहार के लोगों को एक बार रुक के सोचना पड़ता है कि क्या वाकई में अगर तेजस्वी को वोट दिया जाए, आरजेडी को वोट दिया जाए, कांग्रेस को वोट दिया जाए, तो दोबारा एक बार जंगल राज की वापसी होगी या वापसी नहीं होगी। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि परिवारवाद की बात जब नरेंद्र मोदी जब बीजेपी करती है तो शायद वो भूल जाती है कि परिवारवाद तो आज की तारीख में बीजेपी में सबसे ज्यादा है, और उसमें अगर गिनती अगर करी जाए तो एक बहुत बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखला उसमें नजर आती है। तो इसलिए परिवारवाद और युवराजवाद ये सब एकदम घिसे पिटे एक तरीके जुमले हो चुके हैं, लेकिन जंगल राज जरूर एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी बिहार के लोगों को, खासतौर पर वो लोग जो 40 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जो जिन्होंने तीसरी चौथी बार वोट दे चुके हैं, उनके याद में जरूर वो जंगल राज की बात याद आती है कि जब लालू प्रसाद यादव का राज हुआ करता था, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, रंगदारी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, रंगबाजी भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, वहां पे एक्सट्रॉशन का रैकेट चला करता था और उसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी आया करते थे, और उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों का भी नाम उसमें आया करता था। तो वो तो एक 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 अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, और बिहार जब इस बार वोट करेगा तो जरूर इस बारे में सोचेगा कि वो किस और क्यों, किस तरीके से उसको वोट देना चाहिए, क्या उनको आरजेडी को वोट देना चाहिए या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को वोट देना चाहिए। ठीक है संगीत रागी जी, इस पर आपका भी टेक। और देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जय श्री राम बोलने में भी जंगल राज वाले कतराते हैं, यानी भगवान राम की भी एंट्री, राष्ट्रवाद की भी एंट्री और परिवारवाद और युवराजवाद जो है उस पर तो वो लगातार बोल ही रहे हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसी भी चुनाव में राष्ट्रवाद एक मुद्दा नहीं होता है। क्या बिहार के चुनाव में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स मुद्दे नहीं होंगे? क्या बिहार के चुनाव में इस्लामिक टेररिज्म मुद्दा नहीं बन सकता है? क्या बिहार के चुनाव में यदि राम मंदिर का मुद्दा बनता है तो क्या यही लोग नहीं थे जो राम मंदिर के खिलाफ थे? मुझे लगता है कि किसी, कोई भी चुनाव लीजिए, कोई एक फैक्टर नहीं होता है, कोई एंकर फैक्टर जरूर होता है, लेकिन बिहार के चुनाव हो या कोई भी और किसी अन्य प्रदेश का चुनाव हो, कई सारी चीजें, कई परिस्थितियां, कई फैक्टर उसमें काम करते हैं, कई मुद्दे काम करते हैं। आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रधानमंत्री के भाषण में भी तब्दीली होगी, नेताओं के भाषण में तब्दीली होती है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हमने देखा है कि मुद्दे बदल जाते हैं, वहां की लोकल समस्याएं आ जाती हैं, वो सारे चीजें भी डिस्कशन में, विचार विमर्श में आता है। तो ये यदि प्रधानमंत्री ने, यदि जिस क्षेत्र में चुनाव आज हो रहा है, यदि वहां पर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जय श्री राम के बारे में बात करते हैं, यदि वो इस्लामिक टेररिज्म को इशारों में उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका ये जरूर जब वोटर वोट देने जाएगा तो निश्चित तौर पर जिन्होंने 80 के दशक में और 90 के दशक में बिहार को देखा है और उनकी यादें ताजा हो जाएंगी कि कैसे वहां पर डॉक्टर्स, इंजीनियर और ठेकेदार और जो लोग थे सरकारी अफसर, उनके बेटों का कैसे अपहरण होता था, किस प्रकार से अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी और कौन तबका था, कौन किस प्रकार के लोग थे जो इसमें शामिल हुआ करते थे, किस प्रकार से माई फैक्टर ही जो फैक्टर था जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हुआ करता था। तो निश्चित तौर पे ये सारी चुनाव में अब आप जाते हैं तो अपने तरीके से सारी कोशिशें आप करते हैं, तो मुद्दों को ले जाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जनता को देखना है कि जनता किस प्रकार से इन मुद्दों पर रिस्पॉन्ड करती है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा।
ठीक है, सत्यजीत कुमार भागलपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है जरा दिखाएं, क्योंकि दोपहर बाद बताया गया थोड़ी तेजी आ रही है वोटिंग में, क्या तस्वीर है जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास आशुतोष जी एक बड़ा सवाल लेकर, जल्दी से सत्यजीत। देखिए अंजना, ये इस वक्त जो जिस स्कूल में हम खड़े हैं, दुर्गा चरण स्कूल है ये, और इसका एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि शरद चंद्र ने यहीं से पढ़ाई की थी, साथ ही साथ अशोक कुमार और किशोर कुमार का भी ये स्कूल रहा है। अश्विनी चौबे अभी थोड़ी देर में अपने वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, प्रधानमंत्री के साथ लगातार जो है रैलियों में थे, चुनावी रैली में। लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो डिजेक्शन जो है वोटर्स का वो साफ तौर से दिखता है, लीक वर्म रिस्पॉन्स उनका रहा है शहरी क्षेत्रों में, वो जो है उनका टर्नआउट जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और डेमोक्रेसी ने जो उनको राइट दिया कि अपने फ्रेंचाइजी का जाके आप एक्सरसाइज करें, वो उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग था, लोगों में विलिंगनेस की कमी थी, बूथ तक वो नहीं आए, कम से कम आए इस स्कूल में जो कि रिहायशी इलाका में है, वहाँ पे भी लोग टुकड़ों में दिखे, टुकड़ों में वो आए हैं, वोट कास्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है स्पेशली एबल्ड, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जो सेप्टाजेनेरियन थे, एक आध ऑक्टाजेनेरियन भी जो है वो आकर अपना वोट कास्ट करके गए और मोटिवेट करने की कोशिश की कि देखिए जब हमें पता है कि क्या सिग्निफिकेंस है हमारा वोट का, तो बाकी लोगों को भी सामने निकल कर आना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं दिखा, डिसमल परसेंटेज है, काफी जो है जो उम्मीद था उससे भी कम था। पिछले बार भागलपुर में 48% का मतदान हुआ था और उससे एक्सीड करने की उम्मीद थी, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। और अब जो है दिन के तीन बज चुके हैं दोपहर के, अब जो है बिल्कुल अब लास्ट लेग है और थोड़ा सा वक्त बचा है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जब डेमोक्रेसी ने आपको पावर दिया है कि आप इलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो आखिर जो है लोग उदासीन क्यों हैं? और कोरोना एक वजह हो सकता है, लेकिन फिर अगर कोरोना वजह है तो पिछले बार जो है वोटिंग का परसेंटेज कैसे ज्यादा था फर्स्ट फेज में, और उस वक्त जो है शहरी इलाकों में लोग कैसे निकले थे, ये तमाम सवाल जो है अपने आप में ऐसे हैं जिसका जवाब जो है एक समीक्षा का विषय जरूर है कि लोग जो है इंटरेस्ट क्यों लूज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी बातें जो है ड्राइंग रूम के अंदर जरूर होती है कि इस पॉलिटिशियन ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सत्यजीत, जब वक्त आता है कि आप अपने एक वोट से। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है मैं आ रही हूँ, आप वहां की तस्वीरें जरा दिखाते रहिए। संजय जी, ये उदासीनता जो वोटर्स में दिख रही है, कोरोना का डर था, लेकिन हमने पहले दौर में भी देखा था कि शाम होते होते फिर मतदाता जो है वो निकले और ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज हो गया, ये क्या इशारा कर रहा है अगर हम ब्रॉडली इसको समझने की कोशिश करें तो? देखिए हमेशा पहले दौर का आप जिक्र कर रही हैं अंजना, पहले दौर में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का मतदान 2015 के चुनाव में हुआ था पहले दौर में, फाइनली जो आंकड़े आए हैं 2020 के चुनाव में भी लगभग एकदम उतना ही मतदान हुआ है। ये ज़रूर है कि आज सुबह से मतदान धीमा चल रहा है, दूसरे दौर में जहां 94 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़ रहे हैं, जितनी हमें उम्मीद थी उस रफ्तार से वोट नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 घंटे का समय बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि रफ्तार पकड़ेगी। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे दौर की जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर पहले भी टर्नआउट ज़्यादा रहा था पहले दौर की तुलना में, तो तकरीबन ये पूरा इलाका है जहाँ पर पिछली बार अगर हम देखें 2015 के चुनाव में तो तकरीबन 55-56% मतदान हुआ था। कुछ शहरी इलाका है उस वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा भय है कोरोना का। अगर आप ग्रामीण मतदाताओं की तुलना शहरी मतदाताओं से करें तो ग्रामीण मतदाता इस मामले में, मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं, बिंदास है, कहते कोरोना का कोई डर नहीं है, आराम से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, ग्रामीण मतदाता अपने वोट की अहमियत कहीं शहरी मतदाता से ज़्यादा समझता है, तो थोड़ा सा शहरी इलाका इस सेकेंड फेज में ज़्यादा है, इसी के लिए थोड़ा धीमा चल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अभी भी कि मतदाता आएंगे और शाम का वक्त है, 3 बजे के बाद निकल करके आएंगे और टर्नआउट थोड़ा बढ़ेगा। कि लोगों की किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी, खास तौर पर वो दिग्गज जो चुनावी प्रचार में जम कर अपनी पार्टी की तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे, आज चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, कई ऐसे दिग्गज जिनके सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो जाएगी। न कोई तामझाम, न कोई बड़ी बातें,
पटना में राजभवन के बूथ नंबर 326 पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट करने आए बगैर कोई राजनीतिक बयान दिए चले गए। लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को मतदान करना चाहिए। नीतीश चौथी बार जनादेश पाने के लिए मैदान में हैं। उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी सुबह के शुरुआती घंटों के वोटर्स में शामिल थे। सुशील मोदी ने पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल पोलिंग बूथ में मतदान किया। कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में, इसलिए लोग घरों से निकले और वोट करें। पहले जलपान फिर मतदान, इस नारे को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बिल्कुल साकार कर रहे हैं। मतदान शुरू होने के घंटे भर के भीतर ही पटना के एक बूथ पर फागू चौहान मतदान करने पहुंचे। नीतीश की सत्ता को चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पटना के बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। एलजेपी चीफ चिराग पासवान अपने गृह जिला खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। वो अपने चचेरे भाई सांसद प्रिंस राज के साथ आम वोटर्स की तरह कतार में नजर आए। मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का, उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको जरूर चुनें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, बांकी से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के पिता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और कन्हैया कुमार ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत जान है, लोग कहते हैं ना बिहार में का बात, बिहार में बहुत जान बा, अभी अभी पता चल जाए कितना जान बा। अब ये 3-4 दिन में 10 तारीख का पता चल जाए। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों ने मतदान किया उनमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल है। उन्होंने बेतिया में अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने अपने पैतृक गांव मधुबन के बजरिया में अपना वोट डाला। बिहार के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह गोपालगंज के आदर्श मतदान केंद्र पर कतार में लगकर वोट डालने पहुंचे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से चर्चित बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार कुमारी मंजू वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर में मतदान किया। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, पटना के पूर्व सांसद सीपी ठाकुर और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर उन बड़ी हस्तियों में शामिल रहे जिन्होंने अगले 5 साल के लिए सरकार के लिए वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आज तेजस्वी यादव भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे, अपनी मां के साथ थे। वोट करने के बाद उन्होंने क्या कहा आज तक से देखिए। नीतीश कुमार के सियासी भविष्य के साथ अगर बिहार में सबकी निगाहें किसी एक शख्स पर टिकी हैं तो वो है तेजस्वी यादव। आज बिहार के जिन 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें तेजस्वी की राधोपुर सीट भी शामिल है, लेकिन नीतीश की सत्ता को पुरजोर चुनौती दे रहे तेजस्वी आज वोट डालने के लिए पटना में ही रहे। वो अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ बूथ नंबर 160 पर वोट डालने पहुंचे। वोट के बाद तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का नया नारा दिया। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी
ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। उधर राबड़ी देवी ने दावा किया कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है। पूरा बिहार की जनता जीता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम नीतीश जी जिस तरीके से हमला बोल रहे, कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम राबड़ी जी से हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा पेज आई, दूसरा पेज आई, मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर बनेंगे। जब तेजस्वी पटना में वोट कर रहे थे उस वक्त उनके भाई तेज प्रताप यादव राजधानी से दूर समस्तीपुर के हसनपुर में थे। हसनपुर से ही तेज प्रताप यादव आरजेडी उम्मीदवार हैं। तो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो और पूरा मतदाता निकल करके अपना मतदान को देने का काम कर रहे हैं और ये बदलाव चाहते हैं पूरे तरीके से। आपने हसनपुर को जिला भी बनाने का वादा किया है, तो जीतने के बाद आपका क्या ये रहा? जीतने के बाद सबसे पहला काम हम यही करेंगे। अच्छा। जो हसनपुर के लोग जो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा को पूर्ण करने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लालू परिवार के लिए साख का चुनाव बन गया है। सत्ता में वापसी के लिए तेजस्वी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जनता का फैसला क्या होगा ये 10 नवंबर को सामने होगा। समस्तीपुर से जहांगीर और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको बताते हैं इस वक्त जो खबर आ रही है, 3 बजे तक 44% वोटिंग हुई है, यानी अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। अब यहां से क्या तेजी पकड़ती है वोटिंग, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अभी तक इसे कम ही मतदान कहा जाएगा, लेकिन 3 बजे तक 44% वोटिंग हुई है। यही हम आपको बता रहे हैं जो अलग अलग जगहों से डेटा आया है, वो सब कंसोलिडेट करके 44% 44% वोटिंग हुई है। आखिरी के 3 घंटे में ये वोटिंग जोर पकड़ सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन शहरी इलाका बहुत है आज के 17 जिलों की 94 सीटों पर, और पिछली बार हम देखें तो यहां पर एनडीए की पैठ अच्छी थी, लेकिन ऐसे में आज जब ये वोटर्स कम निकल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ संजय कुमार जी जाने माने सोशियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आशुतोष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आइए उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं एनडीए की तरफ से तमाम दिग्गज जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हो, दूसरे के लिए या फिर खुद के लिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोग इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं एनडीए की तरफ से। रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी, ये सब क्या कह रहे हैं, आइए पहले आपको सुना देते हैं। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है, अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 15 साल से काम हुआ, देखा है लोगों ने, आप तो पटना के हैं, इस पटना में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था, याद है ना आपको, तो लोगों ने वो दिन याद किया है और बिहार को और आगे ले जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का की एक बहुत बड़ी उनका एक संकल्प है, बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं। देखिए मतदाता खुद जागरूक है, समझते हैं कि हमारे मत कौन कौन सा परिणाम ला सकता है, अपनी भविष्य देखते हुए अपने विकास और एक सरकार अच्छी सरकार बनाने के लिए लोगों की बात, जो विकास और देश के हित में जो सरकारें काम करे उसके पक्ष में लोग मतदान करने का मूड बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी की तरफ अच्छा वातावरण है और लोग विकास की तरफ, अच्छे शासन की तरफ, सुशासन की तरफ, और भारत बिहार भारत के नक्शे से निकल करके दुनिया के नक्शे पर पहुंचे, ये सब किया। कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको जरूर चुने। बट हाँ, विकसित बिहार बने ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। तेजस्वी जी को लोगों ने, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या लग रहा है अर्जुन, आप बार बार अर्जुन का आशीर्वाद है,
अर्जुन को दुश्मन लोग हजारों हेलीकॉप्टर लगा दे, लेकिन जब आशीर्वाद रहता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ यही है कि अर्जी सेंस को उसको क्या ट्रेनिंग मिली है, कितनी मेच्योरिटी से उभर कर नेतृत्व सामने आ रहा है। हमारे सामने उदाहरण में कई, पर एक उदाहरण तो आप सबको याद होगा, कामराज साहब, कामराज लेट एंड ग्रेट कामराज। उनके क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, हालांकि सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा स्मार्ट अगर कोई साबित हुए भारतीय राजनीति में और खासकर कांग्रेस में तो कामराज साहब। तो ये तस्वीरें आपने देख ली, बातचीत सुन ली तमाम नेताओं की जो अपने अपने तरीके से जीत का दावा भर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को भी आपने सुना। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, अश्विनी चौबे अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं वोट करने के लिए, हमारे सहयोगी के साथ वो खड़े हैं वहां पर, बात कीजिए उनसे कायम होगा। क्या दावे हैं आज उनके? सर ये बताइए कि सीएम नीतीश कुमार के सभा में पथराव हुआ और साथ ही साथ ये फ्रस्ट्रेशन क्यों दिख रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, बात बात पे जो है डांट फटकार लगा रहे हैं, ऐसे बयान वो दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू कंबाइन का फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे हमारा कंबाइन, हमारा तो महागठबंधन है, ये ठगों को, जिसने सबको ठगा, सबको सगों को ठगा, ये महाठगबंधन है। लोग कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, ये तमाम लोग क्या है, और ये महागठबंधन है, इंटैक्ट है महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और हमारे वीआईपी जो साथ में चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी नीतीश जी का शालीन व्यवहार रहा है, ऐसा कहीं कोई नहीं है। जिस लोगों, जिन लोगों ने भी हिंसा पर उतारू होकर के इस प्रकार की दुर्घटना या इस प्रकार के हिंसक वारदात किए हैं, ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ। और हिंसा का स्थान अहिंसा परो धर्म, हिंसा का स्थान कभी भी लोकतंत्र में उसको हम उसकी दुहाई नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को कमजोर करने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का, ऐसे लोग हिंसक तत्व। पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्या लगता है क्या फॉलोआउट होगा, कितना एडवांटेज जो है? तो मैं सुबह देखा, उतना सुबह 8 बजे मैं 8:30 बजे पहुंच गया था 9 बजे के लगभग, और जो अपार भीड़ समुद्र भी शेयर कर रहे थे उनके, मैं मंच पर शेयर कर रहा था, मुझे आदेश था वहां रहना है, तो कई जगह प्रधानमंत्री जी के कई कार्यक्रमों में हमारे मंत्रीगण रहते हैं तो मुझे वहां रहना था, तो जो देखा मैंने अथाह समुद्र है। और प्रधानमंत्री जी बड़े ही खुश थे, उन्होंने दोनों ही रैलियों में पिछले तारीख को भी और आज भी, और अपार बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है ऐसा विश्वास परिलक्षित हो रहा है, जनता के सामने दिखाई पड़ रहा है। तो आज आज के बाद क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं? आज तो बहुत सारे जो सीट्स है उस पर बीजेपी कंटेस्ट, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में काफी बढ़ चढ़ कर बीजेपी का स्टेक जो है बहुत है इस बार, और मुझे विश्वास है कि बीजेपी दूसरे चरण में भी, हमारा बीजेपी और एनडीए का बहुत अच्छी बढ़त है, बढ़त में है। और जितने अप्पू गप्पू शप्पू देख रहे हैं ना, ये लफ्फू जितने लोग देख रहे हैं, इनकी लजाफत कंफर्टेबल मार्जिन से कंफर्टेबल है, और दो तिहाई बहुमत की ओर नहीं बल्कि 3/4 अगले चरण में देखने के बाद। चिराग फैक्टर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या लगता है? चिराग फैक्टर वगैरह कुछ जो है उसका, अरे देखो भाई सब नहीं हो रहा कोई, मुझे लग रहा है ऐसा कोई फैक्टर उक्टर नहीं होता है, ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार भविष्य में बनेगी। अरे देखो इसको मैंने खोला नहीं है, इसको कहीं गंतव्य स्थान पर भी रखना है। अश्विनी जी आप कंप्लीट कर दीजिए। चिराग कह रहे थे, चिराग फैक्टर और मुंगेर फैक्टर, अच्छा 2 मिनट, चिराग फैक्टर, चिराग फैक्टर वो डेंट लगा रहे हैं क्या किसी तरह से, कहीं डेंट लगता दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा है हर लोग चुनाव लड़ता है, बहुत लोग हैं। गगना गगना कर्म, गगन का आकार गगन के जैसा है, एनडीए का आकार एनडीए के जैसा है। बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी जदयू और हमारे जो वीआईपी है, हम एनडीए हैं। एनडीए की चुनाव काफी अच्छी चुनाव, मतलब कहते अच्छे ढंग से चुनाव हो रहा और शांतिपूर्वक चुनाव। आखिरी सवाल की वोटिंग परसेंटेज दोपहर के बाद पिक तो कर रहा है, लेकिन कोरोना भी एक वजह है क्या कि लोग जो है सारी क्षेत्रों में, ये तो कुछ कोरोना के कारण भी स्वाभाविक है, लेकिन लोगों ने बहादुरी से, अब पिछले बार भी 55-56% मतदान किया, मुझे लग रहा है कि इस साल इस चरण में भी ये मतदान बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से आगे तीसरे चरण में तो और कमाल होगा। धन्यवाद सर, लोगों को धैर्य हो रहा है। एक मिनट, ये देखिए अश्विनी चौबे जी, इनका साफ तौर से मानना है कि वोटिंग परसेंटेज भी पिक करेगा और कोरोना एक वजह हो सकती है, और कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल मार्जिन से बीजेपी जेडीयू कंबाइन की सरकार बनेगी, और ये लोग जो है कहना उनका साफ तौर से है कि हम लोग जो है आराम से सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा है। बैक टू यू। तो आपने सुना ये
अपनी तरफ से अश्विनी चौबे और उनका परिवार इसको डिकोड कर रहा है। प्रधानमंत्री की रैली में जो लोगों का समूह पहुंच रहा है उसको लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन इसको कैसे देखें? संजय जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार जो, क्योंकि आज सब यही समझना चाहते हैं, वोटर टर्नआउट से क्या कुछ संकेत मिलते हैं? ये वही सीटें हैं 94 जहां पर एनडीए के लिए अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछली बार। माना जाता है कि ये इन सीटों पर उन्होंने अच्छा किया था पिछली बार और इस बार भी ठीक स्टैंड करते हैं। ऐसे में कम लोगों का निकलना क्या कह रहा है? देखिए, अभी मान लेना कि लोग कम निकले हैं। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया कि 44% मतदान हो गया है और अब 3 घंटे अभी भी बाकी हैं, 3 बजे के आंकड़े आपने पेश किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिरी के तीन घंटों में टर्नआउट बढ़ेगा। 10-12% लोग अगर और निकल गए तो ये पिछली बार के मतदान के प्रतिशत को छू जाएगा। इन टर्नआउट के इन आंकड़ों से, प्रोविजनल आंकड़ों से इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि अगर टर्नआउट बढ़ रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है, घट रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है टर्नआउट जिस तरह का हो रहा है तो उसमें ये दुविधा भी हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टर्नआउट लगभग उतना ही होने वाला है जितना पिछली बार हुआ था। आमतौर पर एक धारणा बन जाती है कि अगर टर्नआउट बहुत बढ़ा है तो ये रूलिंग पार्टी के लिए बहुत लाभदायक नहीं है, लगता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ लोग निकल करके वोट डाल रहे हैं। लेकिन ये तभी इस तरह की चीजें, इस तरह के अनुमान लगाने चाहिए जब टर्नआउट में सचमुच बहुत वृद्धि हो या बहुत गिरावट आए। 1-2% के हेरफेर में बहुत बड़ा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे वो खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है जो लोकतंत्र में अपने वोट की कीमत नहीं समझते, क्योंकि ये लोग जिनकी ये रिपोर्ट है वो हर हाल में वोट देने पहुंचते हैं मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए। देखिए, ये बिहार चुनाव के दिलचस्प रंग है। दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग के दौरान कई मतदान केंद्रों पर ऐसे नजारे दिखे जो सबके दिल में बस गए। नेताओं से भले ही जनता आम तौर पर निराश नजर आए, लेकिन जब लोकतंत्र का महान पर्व चुनाव आता है तो वोटर्स का उत्साह देखते ही बनता है। पटना के इस बूथ पर एक पोती अपनी दादी को साइकिल पर बिठाकर मतदान करने पहुंची। मन में है अच्छा सरकार बने जो सबके ले के चले, साथ मिल के चले, गरीब के भी देखे, शिक्षित करे। सबसे भारी तो बेरोजगारी है सबको साथ। लोग सलब एरिया में रहते हैं फिर भी वोट करने आते हैं। हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार मतदान कर रही है? हाँ, मैं पहली बार है दादी। तो बहुत क्या सोच के आई हो? यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। थोड़ी ना क्या सोची, क्या अच्छा आपके मन में है, क्या चाहते हैं? मैं विकास और थोड़ा बिहार में। अच्छा, आप रोज रहे छात्रों के लिए कुछ? हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर, रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। छपरा की इस तस्वीर को देखिए, बूथ की सजावट शादी के घर जैसी है। मतदान केंद्र के बाहर रंगोली सजाई गई है और मतदान करने का संदेश लिखा गया है। वोटिंग को यादगार बनाने के लिए सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। यकीनन ये युवा वोटर्स को लुभाने के लिए एक सराहनीय कदम है। फर्स्ट टाइम या युवा वोटर्स के लिए मतदान एक खास अनुभव होता है। इस अनुभव को संजोने के लिए हाजीपुर में भी बूथ के बाहर लुभावने सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए जो आकर्षण का केंद्र रहा। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी एक यादगार तस्वीर मुजफ्फरपुर से भी सामने आई। यहां एक बूथ को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया था। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, लेकिन असल में ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीर है। को मतलब स्कूल के रूम को ट्रेन के बोगी के रूप में प्रिंट किया गया है, तो ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि ये ट्रेन की बोगी है, लेकिन बोगी है नहीं। पूरी तरह से तैयारी है और वर्किंग मूड में हम लोग पूरी तरह से आ चुके हैं। वोटर्स बेखौफ होकर मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षा के भी चौकस इंतजाम किए गए। बूथ पर और शहरों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तो नदी में भी एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आई। नदी में एनडीआरएफ टीम लगाई गई है जो कि हल्दी छपरा से लेके हमारा जो मनेर का पूरा एरिया पड़ता है शाहपुर तक, वहाँ पे नदी गश्ती करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे,
ताकि किस तरह की कोई समस्या हो उससे लॉ एंड ऑर्डर समस्या हो या किसी तरह की कोई समस्या हो और या नदी के उस पार वाले कोई अगर व्यक्ति इधर आना चाहे तो गश्ती के दौरान उसको रोका जा सके। चुनाव को लोकतंत्र का महान पर्व माना जाता है। जिस तरह परंपरागत रूप से पर्व त्योहार में आम लोगों का उत्साह होता है, वही नजारा आज बिहार चुनाव में नजर आ रहा है। ये उत्साह लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। पटना से रोहित सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।